अगर आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर आपने एक चैनल स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो ये वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अगर आपको YouTube में जल्दी ग्रो करना है तो। क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि नीश होना क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जब आपकी एक नीश होती है तो आपकी ग्रोथ जल्दी क्यों होती है एंड आप अपने लिए एक नीश कैसे सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो कीप वॉचिंग। हे गाइस, प्रथम यो वेलकम टू दी सोशल बीइंग। अगर चैनल में नए हो तो चैनल में हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया ग्रोथ के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में एंड ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना है इसके बारे में। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो कंसीडर सब्सक्राइबिंग और उस बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देना ताकि आप ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ को मिस ना करो। क्योंकि चैनल पर मैं इस टाइम पर डेली वीडियोज़ कर रहा हूँ या फिर हफ्ते की 5 से 6 वीडियोज़ आ रही हैं ये सारे टॉपिक से रिलेटेड, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। एंड ये होने वाली है मेरे YouTube ग्रोथ सीरीज़ की 3rd वीडियो। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस कर रखी हैं। एक वीडियो थी अबाउट कि ये बेस्ट टाइम क्यों है एक YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए, ये वाली वीडियो। एंड मेरी एक और वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है अगर आपको YouTube में जल्दी ग्रो करना है, तो वो ये वाली वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि नीश इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन उसके पहले अगर आपको नहीं पता है कि नीश क्या होती है तो मैं आप लोग को जल्दी से बता देता हूँ कि नीश का मतलब क्या होता है। तो अगर आप गूगल में जाकर सर्च करते हो नीश की मीनिंग तो गूगल आपको ये डेफिनेशन देता है, एन अपॉर्चुनिटी टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। एक एक आप ऐसा मान के चलो कि आपका YouTube चैनल एक बिजनेस है, ठीक है। जैसे मेरे लिए मेरा YouTube एक बिजनेस है एंड इसमें जो मैं अपनी वीडियोस रिलीज़ कर रहा हूँ ये मेरे बिजनेस का, ये मैं प्रोडक्ट है, ठीक है। YouTube मेरी एक शॉप है, उसमें जो मैं हर एक वीडियोस को डाल रहा हूँ वो एक प्रोडक्ट है मेरा। मैं अपने साइड से एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ एंड आप मेरे कंज्यूमर हो जो मेरी वीडियोस को देख रहे हो, जो मेरी वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हो। तो मेरी जो वीडियोस होती हैं वो जिस टॉपिक में होती हैं, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। पर्टिकुलर का मतलब कि कोई एक टॉपिक पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मेरी वीडियोस का क्या टॉपिक है, वो है सोशल मीडिया। तो मेरी नीश क्या हुई, मेरी नीश हुई सोशल मीडिया। अगर आप किसी म्यूजिक चैनल में जाते हो तो वहाँ पे म्यूजिक वीडियोस होती हैं, तो उस चैनल का नीश क्या हुआ, म्यूजिक। अगर आप किसी चैनल में जा रहे हो जिसमें वीडियोस हैं रिलेटेड टू क्लोदिंग, कपड़े कैसे पहनने हैं या फिर आपको किस ओकेशन के अकॉर्डिंग कैसे स्टाइलिंग करनी है, तो उस चैनल की नीश हो जाएगी फैशन। तो हर चैनल का एक एक नीश होता है प्रॉपर। तो बात कर लेते हैं कि एक नीश होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है अगर आपको YouTube में जल्दी ग्रो करना है तो। इसका सबसे पहला रीज़न है, यू वॉन्ट टू बी नोन फॉर समथिंग। अब देखो, अगर आपको कोई सब्सक्राइब करता है तो उसको पता होना चाहिए कि आप अपने चैनल से क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। देखो, मान के चलो मैं आज अपने चैनल में वीडियो डाल रहा हूँ YouTube ग्रोथ के बारे में, कल मैं इसी चैनल में एक वीडियो अपलोड करता हूँ हाउ टू डू अ पुशअप, फिर एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ ट्रैवल ब्लॉग की, फिर एक वीडियो डाल देता हूँ फैशन के बारे में, तो आप खुद बोलोगे कि ये बंदा कर क्या रहा है, कि एक दिन कुछ और कंटेंट डालता है एक दिन कुछ और डालता है, तो आप कभी भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे। क्योंकि देखो, हर एक इंसान का इंटरेस्ट हर एक टॉपिक में नहीं होता, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के चलना पड़ेगा जिसमें आप अपनी वीडियोज़ को क्रिएट करोगे। मान के चलो आपको YouTube में इंटरेस्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फिटनेस में भी इंटरेस्ट होगा, आपको फैशन में भी इंटरेस्ट होगा। तो अगर मैं आज अपनी वीडियो डालता हूँ YouTube ग्रोथ के बारे में और वही कल मैं अपनी वीडियो डालूंगा फैशन के बारे में, तो आप कभी मेरी वीडियो नहीं देखोगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो आप मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दोगे। तो आपके चैनल की एक पर्टिकुलर नीश होनी चाहिए जिससे रिलेटेड आप अपनी वीडियोस को क्रिएट करो। मान के चलो कोई मेरे सब्सक्राइबर से पूछता है कि यार इंस्टाग्राम में ग्रो करना है, यूट्यूब में ग्रो करना है, क्या करूं, तो मेरे सब्सक्राइबर क्या करेगा, तुरंत मेरे चैनल की लिंक लेगा और सामने वाले बंदे को भेज देगा, बोलेगा कि भाई इसकी वीडियोज़ देख लो, सब कुछ है इसमें इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब से रिलेटेड। लेकिन वही मैं कॉन्टेंट हर चीज़ का डाल रहा होता तो भाई वो खुद कन्फ्यूज हो जाता कि मैं इसकी वीडियो भेजूँ कि नहीं भेजूँ। एक पर्टिकुलर नीश होने का दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जब आप एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस क्रिएट करते हो तो आप उस टॉपिक पे अपनी अथॉरिटी क्रिएट कर लेते हो। देखो, अगर सामने वाले कोई भी क्वेश्चन होगा उस टॉपिक से रिलेटेड तो सबसे पहले वो आपके पास आएगा। मान चलो किसी को भी क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, तो वो तुरंत मुझे इंस्टाग्राम में DM करता है कि भाई ये बता, क्योंकि उसको पता है कि इस टॉपिक में मैं एक्सपर्ट हूँ, इस टॉपिक के बारे में मैं सिखाता हूँ, मैंने इतनी सारी वीडियोस क्रिएट करके रखी हैं उस टॉपिक के बारे में। एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो एक डॉक्टर है, जनरल मेडिसिन का डॉक्टर है जिसने MBBS किया हुआ है, ठीक है, तो वो ज़्यादा अर्न करेगा या फिर एक कोई स्पेशलिस्ट है।
एक स्पेशलिस्ट सर्जन है मान के चलो, तो अगर एक कोई डॉक्टर है ऐसा जो हर चीज़ की दवाई देता है और एक बंदा है जो एक स्पेशलिस्ट है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो कौन ज़्यादा अर्न करेगा वो आप खुद जानते हो। जो बंदा किसी चीज़ में एक स्पेशलिस्ट होता है ना, वो अपनी सर्विस का ज़्यादा चार्ज लेता है उस बंदे की जगह जो हर चीज़ में है, ठीक है। जो आप अगर किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट हो तो आप उस चीज़ से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। आप ये ग्राफ देखो आप समझ जाओगे, अगर आपकी नीश इतनी ज़्यादा वाइड है तो आप इतना अर्न कर पाओगे, एंड आप जितना ज़्यादा नैरो करते जाओगे अपनी नीश को, आप उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी, आप उतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हो अपनी सर्विस का। तो बात कर लेते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग एक नीश कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको एक पेन लेना है एंड एक पेपर लेना है, एंड उसमें जो है धीरे धीरे करके आपको लिखना स्टार्ट करना है कि आप किस किस टॉपिक पे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, आप किस किस चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। 1, 2, 3, 4 करके ऐसे लिखो, एंड लिखते जाओ किस किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, कौन कौन सी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे ग्रूमिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो डांस हो, चाहे फोटोग्राफी हो, कोई भी टॉपिक, जो जो टॉपिक आपको आता है, जिस जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, चाहे वो एजुकेशन हो, तो आप उस चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दो। सबकी आपने एक एक कैटेगरी लिख ली, आपने लिख लिया कि आप इस चीज़ में आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर एक कैटेगरी के नीचे जो है टॉपिक्स लिखना स्टार्ट करना है कि मान के चलो अगर आप इस कैटेगरी में अपना चैनल बनाते हो तो आप कौन कौन सी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो इस कैटेगरी के अंदर, एंड फिर नंबर 2 वाली कैटेगरी में सेम करना है, आपको देखना है कि आप अगर इस कैटेगरी में अपना चैनल बनाते हो तो आप कौन कौन सी वीडियोस क्रिएट कर सकते हो इस कैटेगरी के अंदर। धीरे धीरे करके आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो आप जिस कैटेगरी में ज़्यादा वीडियोज़ लिख पाओगे कि आप इतनी सारी वीडियोज़ बना सकते हो इस कैटेगरी में, एंड आप बहुत ईजिली सोच के लिख पाओगे, आपके लिए वो कैटेगरी बेस्ट है। देखो YouTube में ग्रो करना है तो ऐसा नहीं कि आपको एक या दो वीडियो क्रिएट करनी होगी, नहीं, आपको बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करनी होगी। तो आप किसी भी टॉपिक पे वीडियोस तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड होगे। मैं सोशल मीडिया वाले टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए पिछले 2.5 महीने मैंने इस चैनल पे 40 वीडियोस अपलोड कर दी, 40 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं इस चैनल में, क्योंकि मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं होता तो मैं 4 अपलोड करता, 5 अपलोड करता, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 अपलोड करता, उसके बाद मैं खुद सोचने लगता है यार अब मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ। बट मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ तो मैं ऑटोमेटिक, मुझे सोचना नहीं पड़ता, मैं कोई भी वीडियो में बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ बहुत देर तक, कोई ना कोई वीडियो मैं क्रिएट बहुत ईजिली कर पाऊँगा। तो बस इतना करो कि एक पेन लो एंड एक पेपर लो, एंड बैठ के जितनी नीच में आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो लिखो, और फिर आप देखो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड प्लीज़ भाई मेरे साइड से ये सजेशन है, अगर एक नया चैनल चालू किया या फिर एक पुराना भी चैनल है, तो प्लीज़ रैंडम टॉपिक पे वीडियोस मत क्रिएट करो, एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ो एंड उस पे वीडियोस क्रिएट करो, आपकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी। तो अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, और कल मेरी YouTube ग्रोथ सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो प्लीज़ उसे मिस मत करना। अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो जाके बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस।